सभी को नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम अनुसंधान नैतिकता यानी रिसर्च एथिक्स के कुछ मुद्दों पे बात करेंगे। हालांकि जो आप एक रिसर्च चैप्टर है वो काफ़ी बड़ा है, लेकिन रिसर्च के अंदर भी जो अनुसंधान नैतिकता है वह चैप्टर अपने आप में काफ़ी बड़ा है और उसमें बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं नैतिकता के, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए और कहाँ पर अनुसंधान नैतिकता में आपको सबसे अधिक ध्यान रखना है किस, जैसे मान लिया रिसर्च ऑफ स्टेप है तो इस बहुत सारे, अगर आप सिंपल सामान्य रिसर्च में जाएंगे स्टेप में तो 8 से 9 आपके वहाँ पर स्टेप मिलेंगे। उसमें भी कुछ ऐसे हैं जहाँ पर नैतिकता की यानी कि रिसर्च एथिक्स की कम आवश्यकता है और या कुछ स्टेप ऐसे हैं जहाँ पर बहुत ही आवश्यकता है, तो इस चीज़ का भी ध्यान। और UGC नेट असिस्टेंट प्रोफेसर सेलेक्ट इत्यादि के एग्ज़ाम में अगर रिसर्च से तो 4 से 5 क्वेश्चन जैसे मिलते ही मिलते हैं और इसके अलावा एक क्वेश्चन तो आपको इससे मिलेगा ही मिलेगा रिसर्च एथिक्स से यानी कि अनुसंधान नैतिकता से। तो दोस्तों यह जो लेक्चर है यह PhD स्कॉलर नेट सेलेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है। तो चलते हैं क्वेश्चन आगे वाले उस पर। अनुसंधान नैतिकता मुद्दे। अनुसंधान एक बहुचरणीय प्रक्रिया है यानी कि एक बहुत कहने मतलब रिसर्च के अंदर जो है क्या है, एक बहुचरणीय प्रक्रिया है। नैतिकता अनुसंधान प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण है यानी कि हमने जब रिसर्च करते हैं तो रिसर्च करने के लिए मैंने पहले भी आपको बहुत कहने में चरण है इसके स्टेप है कहने मतलब आपको सिंपल रिसर्च के लिए भी अगर देखेंगे तो 8 से 9 स्टेप है, लेकिन इनमें नैतिकता अनुसंधान प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण है यानी कि जो भी आप रिसर्च कर रहे हैं उसमें नैतिकता एक महत्वपूर्ण है। शोधकर्ता को इस प्रक्रिया के विभिन्न स्तरों पर विभिन्न नैतिक मुद्दों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। आप जो भी रिसर्च करता है अगर रिसर्च कर रहा है उसको जो है रिसर्च करते हुए अनुसंधान नैतिकता का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। नंबर एक, अनुसंधान के लिए कई नैतिक मुद्दों पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। सबसे पहले अगर आपने कोई रिसर्च करना चाहते हैं और एक समस्या का चयन कर लिया है, नहीं प्रॉब्लम आपने चयनित कर ली है और उसके स्टेप भी आपने कर लिया, तो सबसे पहले आपको नैतिकता उसमें क्या, नैतिकता यानी कि आपको रूल्स के नियम या रूल के अनुसार या जो निर्धारित की गई हैं उनके अनुसार आपको कार्य करना है, उस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। उदाहरण, अध्ययन में शामिल सभी लोगों की वास्तविक अनुमति और हितों की भी सुरक्षा करनी चाहिए। दूसरा है, शोधकर्ता द्वारा खोज की गई किसी भी जानकारी का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए और प्रतिभागों के प्रति एक निश्चित नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। शोधकर्ताओं द्वारा जो भी खोज की जा रही है किसी भी जानकारी का दुरुपयोग, कई बार जैसे आप आज देख रहे हो कि नशे का दुरुपयोग हो रहा, नशा एक्चुअली कुछ चीज़ें नशीली वस्तुएँ ऐसी नहीं बनाई थी, उनका कुछ ना कुछ फायदे के लिए बनाया गया था, लेकिन दुरुपयोग होना शुरू हो जाता है। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, तो किसी भी जानकारी का या मेडिकल में जो है आप रिसर्च कर रहे हैं वहाँ पर क्या है, कुछ आपने रिसर्च की उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए और प्रतिभागियों के प्रति एक निश्चित नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। जितने भी रिसर्च में प्रतिभागी हैं उनकी कोई ना कोई जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए कि उसको सही तरीके से काम करें, सही तरीके से यूज करें, सही तरीके से जनता के सामने प्रस्तुत करें। तीसरा है, अध्ययन में लोगों के अधिकारों के साथ साथ उनकी गोपनीयता और संवेदनशीलता की भी रक्षा करना भी एक कर्तव्य है। साथ ही आप कोई रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च में जितने भी प्रतिभागी हैं तो या जो भी जिनको शामिल कर रहे हैं उनकी गोपनीयता और संवेदनशीलता की रक्षा करना भी ये रिसर्चकर्ता का एक कर्तव्य बन जाता है। इसके अलावा डाटा संग्रह, विश्लेषण और व्याख्या के चरणों में उच्च स्तर के नैतिक मानकों को बनाए रखा जाता है। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पर पहले बता चुका हूँ कि बहुत सारे स्टेप हैं रिसर्च के, लेकिन इसमें क्या है, हालांकि नहीं दिया है, जैसे सबसे पहले नैतिकता तो मेरे हिसाब से जो है बोलते हैं डाटा कलेक्शन में, लेकिन उससे महत्वपूर्ण है आपको समस्या का चुनाव करने में। आगने अगर समस्या का चुनाव करते हुए भी नैतिकता नहीं की, आपने रूल किया उसको गलत हो गया, तो वही आपके लिए तो सबसे पहले यहाँ पर आना चाहिए था, समस्या चयन में, फिर डाटा कलेक्शन में, विश्लेषण और व्याख्या में, और उससे भी महत्वपूर्ण है आपका विश्लेषण और व्याख्या में। अगर वहाँ पर आपने विश्लेषण करने में और उसकी व्याख्या करने में आपने वॉयस या आपने पक्षपात की आपकी भावना आ गई तो आपके जो है रिसर्च का जितना भी फाइंडिंग है या निष्कर्ष है वो गलत हो जाएगा।
चार नंबर पॉइंट है अनुसंधान में डाटा सही वास्तविक अनुमान से मुक्त होना चाहिए, यानी कि रिसर्च के अंदर, शोध के अंदर कोई अनुमान ही नहीं चलता। अनुमान सही करने वाला डाटा सही वास्तविक और अनुमान से मुक्त होना चाहिए। यहाँ पर यह सही होना चाहिए, वास्तविक अनुमान से मुक्त होना चाहिए। अनुमान से के अनुसार आपको कोई भी रिसर्च के अंदर काम नहीं करना है, यह भी एक तरह की नैतिकता नहीं होगी। पांचवा, अनुसंधान में विश्लेषण वैज्ञानिक तरीके से किया जाना चाहिए। विश्लेषण जो भी करना है आपको, एनालिसिस करना है, वह वैज्ञानिक तरीके से होना चाहिए और संख्या पूर्वक निर्धारित मापदंडों के भीतर। पूर्वग्रह या पूर्वग्रह का कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। पूर्वग्रह मतलब बायस है, या आपको किसी के पूर्वग्रह का मतलब पक्षपात है, या आपने कोई ऐसे अनुमान लगा रखे हैं, उसका कोई गुंजाइश नहीं होना चाहिए। मानक निर्विवाद होना चाहिए, यानी कि मानव द्वारा ही बना ऐसा हो कि वो बिल्कुल ही ग्राउंड में जाके किया गया हो। छठा है, अनुसंधान समस्या की पहचान करना और अनुसंधान समस्या को परिभाषित करना सैद्धांतिक दृष्टिकोण है। तो मैं आपको पहले बता रहा था रिसर्च के बहुत सारे स्टेप हैं, और यहाँ पर जो है हमने नैतिकता के लिए जो बात की थी, कुछ मुद्दों की बात की थी, तो इसमें सबसे बड़ा मुद्दा मैं बोला भी था आपको कि जो है समस्या की पहचान करना और अनुसंधान समस्या की परिभाषा करना। सबसे पहले कुछ आपको दोस्तों मैं एक वीडियो और बनाऊंगा, जिसमें आप एक वीडियो क्या जितने भी स्टेप हैं उनके बारे में वीडियो बनाऊंगा। यहाँ पर क्या होता है, हम स्टेप तो पढ़ लेते हैं लेकिन स्टेप के बारे में नहीं जानते। अब रिसर्च में जो है समस्या का क्या है, समस्या का सबसे पहले तो प्रस्तुतिकरण होता है, पहले तो चयन होता है, चयन के बाद प्रस्तुतिकरण होता है, फिर उसका मूल्यांकन होता है। मूल्यांकन के हर मूल्यांकन के उद्देश्य में भी बहुत सारे पॉइंट हैं, फिर उसका फाइंडिंग है, फिर उसकी कहना मतलब क्या क्या विशेषता होनी चाहिए, आपकी समस्या कैसी है, उस चरों में उसमें दो तरह के चर हैं कि नहीं हैं, और उसके कहना मतलब आप रिसर्च के लिए जन समाज का कुछ फ़ायदा हो रहा है नहीं हो रहा है, या किससे संबंधित, ये सब चीज़ें जो समस्या से ही होती हैं। अगर समस्या का सही चयन है, यानी कि उसका जो है आपने वैज्ञानिक तौर से किया है, तो वह अच्छा ही होगा, यह सैद्धांतिक दृष्टिकोण है, लेकिन अनुसंधान नैतिकता के लिए उपरोक्त में से सबसे कम महत्वपूर्ण है। लेकिन यहाँ पर क्या है, उपरोक्त में से कुछ में से इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, उससे थोड़ा सा कम महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था, ये अनुसंधान में नैतिकता के मुद्दे, तो क्या क्या मुद्दे हो सकते हैं हमने वो बताने की कोशिश की है। यहाँ 5 से 6 हालांकि बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने मेन मुद्दे आपको बताया, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्या है नैतिकता। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे आपको आने वाला वीडियो मिल जाए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।